एवरीवन, वेलकम इन दादी स्टडी रूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्री स्ट्रेसिंग अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन प्री स्ट्रेसिंग उसके जो मेथड्स होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का, क्योंकि जो टाइम की कमी के कारण मेरे को इस टाइप में पढ़ाना पड़ रहा है। और ये जो मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग है, ये वन ऑफ द व्यूअर है, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया था, तो उनकी डिमांड पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और एक ब्रिज एंड कलवर्ट पे भी एक डिजाइन स्टेप्स होंगे जो ब्रिज एंड कलवर्ट्स के, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल दूंगा, जो कि आपका मैं मानता हूँ आरटीओ एग्जाम है 7 सेम का, जो कि आपका है 26 को है आई गेस। सो मैं कल तक आपको जो आरसीसी का है 26 को है, तो मैं कल तक आपको जो ब्रिज एंड कलवर्ट है उस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा डिजाइन स्टेप्स के, सो डोंट वरी। सो आज मैं मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग की बात कर लेता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपने, और ये जो वॉइस है ये अपनी रिकॉर्ड हो रही है मोबाइल में ही, मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, और वॉइस भी मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रही है। सो क्वालिटी खराब हो तो प्लीज सॉरी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में सबसे पहले आता है अपना फ्रेसिनेट सिस्टम। फ्रेसिनेट सिस्टम के अंदर मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ये सिस्टम, पहले तो मैं बताता हूँ कौन कौन सिस्टम है। फ्रेसिनेट हो गया, मैग्नल ब्लेटन सिस्टम हो गया, गिफोर्ड उडाल सिस्टम हो गया, ली मैकॉल सिस्टम हो गया, और आपके सामने पीएससी मोनोवायर सिस्टम हो गया। सो अपन एक एक करके इन सबके बारे में बात करेंगे, डायग्राम वाइज इन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो नोट्स बना रखे मैंने फ्रेसिनेस सिस्टम है, इसके 3 या 5 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने जनरली, ये 5 पॉइंट है, तो आपको इतना ही लिखना है एग्जाम के अंदर, और बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें दे रखी है वो कुछ नहीं लिखना। मेनली बुक से नहीं पढ़ना, बुक से बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आप यहां से जो मेरे नोट्स है सेम ये का यही लिख देना। सो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेसिनेस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, दिस सिस्टम इज यूज फॉर पोस्ट टेंशनिंग। ओके, पोस्ट टेंशनिंग के मेथड है। नॉर्मली क्या है, अपन पोस्ट टेंशनिंग करते हैं तो उसके अंदर अपन किसी भी जो टेंडन होता है उसको खींचते हैं, पुल करने के बाद में उसको जब छोड़ते हैं, मतलब वो फिनोमिना होता है जो अपन किस सिस्टम में यूज कर रहे हैं इस फिनोमिना को। तो नॉर्मली ये सिस्टम से बताते हैं, प्री स्ट्रेसिंग के सिस्टम है ये नॉर्मल। दिस सिस्टम इज यूज फॉर पोस्ट टेंशनिंग। ओके, दिस सिस्टम एंकर द प्री स्ट्रेसिंग केबल्स बाई वेज एक्शन विद द हेल्प ऑफ टू कॉन्स, फीमेल कॉन एंड मेल कॉन। ये एक नॉर्मल इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि ये जो इसके अंदर वेज एक्शन होता है प्री स्ट्रेसिंग केबल को खींचने के बाद में जो वेज एक्शन होता है वो क्या होता है, फीमेल कॉन और मेल कॉन इन दोनों की, दो कॉन्स की हेल्प से होता है। द प्री स्ट्रेसिंग केबल जनरल कंसिस्ट ऑफ 8, 12, 18 नंबर ऑफ आइदर 5 mm और 7 mm वायर्स, एंड दीज वायर्स आर इंसर्टेड बिटवीन द वॉल्स ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन। After this, they stressed and then released. After this stress, locked by wedge action. Normally इसके अंदर क्या होता है, 5 mm का जो वायर होता है या फिर 7 mm का वायर है, उनको 5 mm के 8 वायर लिए, 12 वायर लिए, 18 वायर लिए, नॉर्मली इस जो अपन सिक्वेंस में इनको एक साथ जो वायर्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो वायर को एक साथ करके कंबाइन करके केबल बना लेते हैं। अब उन केबल्स को क्या करते हैं, स्ट्रेस जो केबल होता है उनको मेल वायर, मेल कौन और फीमेल कौन है उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं इन वायर्स को, इस टाइप में अपन उनको जोड़ के। तो आफ्टर दिस दे स्ट्रेस्ड, आफ्टर दिस इनको मेल कौन को और फीमेल कौन है इसके अंदर वायर डालने के बाद में उनको स्ट्रेस किया जाता है, देन रिलीज आफ्टर दिस स्ट्रेस जो वेज एक्शन है उसके द्वारा ये स्ट्रेस लॉक कर दिया जाता है। और नॉर्मली इसके अंदर जो वेजेस है वो अपन जो यूज करते हैं वो कॉन्क्रीट के बने हुए होते हैं। ओके, तो इन एडिशन सीमेंट ग्राउट इज इंजेक्टेड इन टू द स्पेस बिटवीन द केबल्स एंड द शीथ फॉर फर्दर सेफ्टी अगेंस्ट स्लिपिंग ऑफ केबल्स, एंड द सीमेंट ग्राउंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द केबल्स अगेंस्ट कोरोजन। नॉर्मली इसके अंदर क्या करते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग होती है वो भी डाल देते हैं इस केबल्स के बीच में, जिससे क्या होता है, एक तो ये सीमेंट ग्राउटिंग होती है वो केबल को कोरोजन होने से बचाती है, और एक शीत, शीत मतलब एक आवरण, एक इसको आवरण प्रोवाइड करा देती है जिससे सेफ्टी हो जाती है, स्लिपेज वायर का स्लिपेज भी नहीं होता नॉर्मली इन दिस सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दिस सिस्टम द टेंशनिंग इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ फ्रेसिनेट जैक्स। तो नॉर्मल फ्रेसिनेट सिस्टम है तो उसके अंदर फ्रेसिनेट जैक्स है, उनके द्वारा अपन इसके अंदर टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्रेसिनेट सिस्टम के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम इस टाइप का होता है जिसके अंदर ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, तो मेल कौन को इस टाइप पे इंसर्ट करके, और ये मेल कौन किस टाइप से बनता है, ये वायर्स होते हैं जिनको कंबाइन करके मेल कौन के अंदर ग्राउटिंग करके इस टाइप में फीड किया जाता है। तो नॉर्मल इस टाइप का ये फ्रेसिनेस सिस्टम होता है। सो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब मैग्नल ब्लेटन सिस्टम की। तो मैग्नल ब्लेटन सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो मेक यूज ऑफ 5 और 7 mm वायर्स एज प्री स्ट्रेसिंग। पिछले में भी 5 और 7 mm का यूज किया था, इसमें भी ये करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ एंकरिंग द वायर्स इज द सेम एज दैट ऑफ फ्रेसिनेस सिस्टम। सेम एंकरिंग करने का तरीका सेम है फ्रेसिनेस सिस्टम की तरह, वही वेज एक्शन के द्वारा। बट क्या होता है इसके अंदर मेन डिफरेंस इज दैट दीज वेजेस आर मेड ऑफ स्टील। उसके अंदर जो वेजेस होते हैं वो बने हुए थे कॉन्क्रीट के, इसके अंदर जो वेजेस है वो बने हुए हैं मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट।
एंड फ्लैट इन शेप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉनिकल मेल कोन ऑफ फ्रेसिनेस सिस्टम। जैसा कि फ्रेसिनेस सिस्टम ने पढ़ा उसके अंदर मेल कोन था जो कॉनिकल शेप का था, लेकिन इसके अंदर ये फ्लैट होगा। तो नॉर्मली देखने से पहले एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आते रहे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर ये मेल कोन है, नॉर्मली ये जो फ्लैट उसके अंदर मेल कॉनिकल होता है और इसके अंदर ये जो शेप होती है इसकी फ्लैट होती है। तो ये प्लेट होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये वायर को सेट करके ये चीज है, ये चीज वायर डाल के इस चीज को इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहां पे इंसर्टेड है, यहां पे वायर डाल के ये चीज को इंसर्ट कर देंगे तो ऐसे वायर यहां पे टाइट हो जाते हैं, स्ट्रेस इनके द्वारा दी जाती है वायर के अंदर। और नॉर्मली 1, 2, 3, 4 और नीचे की तरफ 5, 6, 7, 8 टोटल 8 नंबर ऑफ जो वायर्स है अपन इसके अंदर एक बार में डाल सकते हैं। तो नॉर्मली आगे देखते हैं, दिस फ्लैट वेजेस, जो अपन ने पीछे मैंने वेजेस दिखाए फ्लैट, एंकर द वायर बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट द स्टील सैंडविच प्लेट। ये स्टील सैंडविच प्लेट थी, उनको फ्रिक्शन के द्वारा उनको होल्ड करके रखती है। ईच स्टील सैंडविच प्लेट कैन एंकर 8 नंबर ऑफ वायर्स, जैसा मैंने बता दिया। इन फ्रेसिनेस सिस्टम ऑल द वायर्स एंड केबल्स आर स्ट्रेस एट अ टाइम। फ्रेसिनेस सिस्टम के अंदर जो केबल के अंदर जो वायर होता है एंड सारे जो वायर्स होते हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं एक टाइम। लेकिन इस मैग्नल ब्लेटन सिस्टम में क्या होता है, ओनली टू वायर्स आर स्ट्रेस एट अ टाइम। सो ये चीजें कुछ बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, इनके अंदर कुछ कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है। नॉर्मली इसके अंदर फ्लैट होता है, उसके अंदर कॉनिकल होता है, और इसके अंदर जो वेजेस एक्शन सेम होता है लेकिन इसके अंदर स्टील का बना होता है। ये जो फ्लैट होता है ये स्टील की प्लेट बनी हुई होती है लेकिन उसके अंदर कॉन्क्रीट का मेल कोन बनाया जाता है। तो ये मैग्नल ब्लेटन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिफोर्ड उडाल सिस्टम की। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं आपको। इस टाइप का डायग्राम होता है जिसके अंदर बीम कॉन्क्रीट है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये अपन को क्रॉस सेक्शन बता रहा है, साइड व्यू दे रखा है। तो साइड व्यू से ऐसे ये चीज क्रॉस सेक्शन में इस टाइप में दिखती है, जिसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल सेक्शन सबसे पहले तो आ जाती है, इसके अंदर बियरिंग प्लेट्स होती है जो गोलाई में, ये बियरिंग प्लेट्स है जो चारों ओर दिख रही है। फिर अपन इसके अंदर आ जाती है प्री स्ट्रेसिंग वायर बीच में होता है, स्प्लिटिंग वेजेस होते हैं, ये जो वेजेस है ये स्प्लिटिंग वेजेस है जो इसमें इस टाइप में दिखा रखे हैं क्योंकि ये साइड व्यू है, और इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप आ जाती है जो लगाते हैं नॉर्मली। गिफोर्ड उडाल सिस्टम इस टाइप का होता है। अब हम देख लेते हैं अंदर। द डायमीटर ऑफ वायर यूजुअली यूज इन सिस्टम आर 4, 5 और 7। पिछले में 5, 7, 5, 7 यूज हो रहे थे, अब यहां पे 4 और एड हो गया। द एंकरेज यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 थ्रस्ट रिंग, 1 बियरिंग प्लेट एंड एंकरेज ग्रिप। नॉर्मली ये जो एंकरिंग सिस्टम है इसके बारे में बता रखा है ये क्या क्या यूज में आता है। इसके अंदर थ्रस्ट रिंग, एंकरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट ये सब यूज में आता है, ये चीज अपन को यहां पे बता रखी है, ठीक है। द एंकरेज ग्रिप इज अ स्टील सिलेंड्रिकल हैविंग अ टेपर्ड होल इनसाइड थ्रू विच स्प्लिट वेज इज इंसर्टेड। नॉर्मली बता रखा है द एंकरेज ग्रिप, जो स्टील सिलेंडर का एंकरेज ग्रिप होता है, जो स्टील सिलेंडर का होता है जिसके अंदर अपन टेपर्ड होल होता है, जिसके अंदर इनसाइड विच स्प्लिट वेजेस इंसर्टेड, मतलब कि जो स्टील सिलेंडर होता है, ये जो सिलेंडर है ये वाला, ये अगर क्रॉस सेक्शन देखे तो ये गोल है, ये स्टील सिलेंडर, इसके अंदर ये अपन ने ये स्प्लिट वेजेस डाल दिए जिसके अंदर अब फ्री स्ट्रेसिंग वायर डाला जाता है और इस मैकेनिज्म के द्वारा इसके अंदर स्ट्रेसिंग दी जाती है। द वायर टू बी एंकर्ड इज पास्ड थ्रू द स्टील वेजेस प्रेस बिटवीन टू होल्स, ठीक है। टू हाफ्स मतलब ये टू हाफ्स, ये वाले, ये एक और ये दो, ये टू हाफ्स इनके बीच में रख जाती है, ठीक है। इन दिस सिस्टम ईच वायर इज एंकर्ड विद इंडिपेंडेंट ग्रिप के द्वारा, ईच वायर इंडिपेंडेंट होता है ग्रिप के द्वारा, और हैंस एनी नंबर ऑफ वायर्स अरेंज इन ईच यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर इंडिविजुअली अपन वायर को खींचा जाता है, मतलब कि इसके अंदर ये 4 mm, 5 mm, 7 mm तो यूज करते हैं लेकिन इसका कोई वो रेशियो नहीं है कि इनको 10-12 इस टाइप में ऐड करके फिर केबल बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी नंबर ऑफ वायर्स अरेंज इन ईच यूनिट, कोई भी नंबर ऑफ वायर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ली मेटल सिस्टम। ली मेटल सिस्टम में नॉर्मली इस टाइप में होता है जिसके अंदर ये कॉन्क्रीट जो बीम है इसके अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मली अपन यूज कर रहे थे अभी तक सारे सिस्टम में बार्स, ठीक है, बार्स नहीं, नॉर्मली अपन यूज करते हैं वायर्स केबल्स, इसके अंदर अपन हाई टेंसाइल बार का यूज करेंगे जिसके अंदर ये ग्रिप्स है, ये नॉर्मल ग्रिप बनी हुई है जिसमें ऊपर ये नट लगा रखा है, हेक्सागोनल नट, और ये वॉशर लगा रखा है और ये एंड बियरिंग प्लेट लगा रखी है। तो इस टाइप में इस नट को टाइट करके स्ट्रेसेस जो होती है दी जाती है और रिलीज की जाती है, और ग्राउट होल ऊपर दे रखा था जिससे अपन ग्राउटिंग करते थे सीमेंट की, जिससे यहाँ पे शीत आवरण बन जाए एक, जिससे कोरोजन से बचाया जा सके। ली मेटल सिस्टम, तो यही चीज लिखी हुई है। दिस सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिस्टम। दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ हाई टेंसाइल बार्स, यूजुअली 12 mm से 28 mm डायमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ द वायर्स एंड केबल। वायर्स और केबल की जगह यहाँ पे बार का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल विच कंसिस्ट ऑफ ए बियरिंग प्लेट एंड अ नट, जो अपन पीछे देख चुके। द एंड ऑफ द बार्स आर थ्रेडेड, बार की एंड होती है जो
थ्रेडेड होती है, ठीक है, आर थ्रेडेड एंड ड्यूरिंग स्ट्रेसिंग द नर्व्स आर टाइटेंड टू प्रिवेंट रिकॉल ऑफ द स्ट्रेस रोड। नॉर्मली अपन इसको स्ट्रेस करके जब छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन नट से अपन टाइट करते हैं जिससे प्रिवेंट रिकॉइल, रिकॉइल होता है जो स्ट्रेस का, वो नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो स्ट्रेसेस नष्ट नहीं होगी इसमें से, बाहर में से। दिस सिस्टम हैज द एडवांटेज, इसका एडवांटेज होता है ओवर अदर से, ओवर अदर्स दैट स्ट्रेसिंग कैन बी डन बाई स्टेजेस, मतलब जो स्ट्रेसिंग अपन प्रोवाइड कराते हैं वो स्टेजेस में प्रोवाइड करा सकते हैं, एज इट इज पॉसिबल टू टाइटन द नट एट एनी स्टेज। तो ये था ली मेकल सिस्टम। नेक्स्ट अपन पीएससी मोनोवायर सिस्टम की बात कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम वायर्स आर एंकर्ड इंडिविजुअली। नॉर्मली क्या होता है, पीएससी मोनोवायरस में जो वायर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली स्ट्रेस किया जाता है। नॉर्मली इसके अंदर इस टाइप में एंकर स्लीव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ये वायर है, इसको इसके अंदर डाल के, इस प्लेट के अंदर डाल के, तो यहां से निकाला और इसमें पुश लगा के, और ये जो एंकर स्लीव है इससे जो वायर है उसको टाइट कर दिया जाता है, तो ये टाइट रहता है इस पे। तो अपन नॉर्मली एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस सिस्टम वायर्स आर एंकर इंडिविजुअली, ठीक है, पीएससी मोनोवायर सिस्टम है। इन दिस सिस्टम स्लीव्स वेजेस, ये जो स्लीव्स वेजेस है, ये जो कोनिकल शेप की है जिसके अंदर होल बना हुआ है। इन दिस सिस्टम स्लीव वेजेस आर यूज्ड विच एंकर द वायर इन इट्स कोनिकल होल्स। ओके, दीज स्लीव्स गिव द इंडिविजुअल ग्रिप टू द वायर्स। ओके, तो ये ग्रिप देता है इंडिविजुअली। द मोनोवायर एंकरेज आर अवेलेबल फॉर, जो मोनोवायर एंकरेजेज होती है एंकर करने की चीज, वो अवेलेबल फॉर 1, 2, 3, 4, 8, 12 वायर्स केबल ऑफ साइज 7mm। 7mm की जो वायर्स होती है वो एक वायर को जोड़ो या दो को जोड़ के, तीन को जोड़ो ऐसे करके, चार को जोड़ो या फिर आठ को जोड़ो, 12 को जोड़ो, ऐसे वायर को जोड़ के केबल बना के उनको इंडिविजुअली ये ग्रिप प्रोवाइड कराती है। जो 8 और 12, ओनली ये 8 और 12 की सीन बता रखा है, 8 और 12 वायर केबल, अ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक स्पेसर यूज टू मेकअप द केबल एंड सेपरेट द वायर फ्रॉम स्ट्रेसिंग। मतलब नॉर्मली इसके लिए प्लास्टिक स्पेसर यूज किया जाता है, ये जो प्लास्टिक स्पेसर है ये यूज किया जाता है फॉर द 8 और 12 जिसके अंदर, ताकि अपन और ये जो वायर्स होते हैं उनको सेपरेटली अपन स्ट्रेस कर सकें, सेपरेट द वायर फ्रॉम स्ट्रेसिंग। तो पीएससी मोनोवायर सिस्टम ये रहा। तो इस टाइप में ये सारे अपने पास में है, पीएससी मोनोवायर सिस्टम हो गया, नॉर्मली मैग्नल ब्लेटन सिस्टम, फ्रेसिनेट सिस्टम और ली मैकल सिस्टम और गिफोर्ड उड़ाल सिस्टम। इस टाइप में ये सारे सिस्टम है जो अपन पढ़ लिए। तो यही है जो ये नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, और यही आपके जो 26 तारीख को जो भी आरसीसी का पेपर होगा उसके अंदर आए तो सेम इस टाइप का छाप के जाना और ये डायग्राम बना देना। सो थैंक यू। और टाइम की कमी के कारण मेरे को इस टाइप में वीडियो बनाना पड़ रहा है, और जल्दी ही ब्रिज और कलवट पे भी वीडियो आने वाला है डिजाइनिंग, जो कल आ जाएगा, होपफुली कल ही लाना पड़ेगा क्योंकि 26 को आपको एग्जाम है। सो मैं कल वो लेके आ जाऊंगा। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं तो यार प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास पहुंच जाए जो आरटीपी एग्जाम दे रहे हैं, और उनको भी मेरे चैनल का पता चले, और काफी मेरे को मोटिवेशन होगा अगर वो भी मेरे को मैसेज करेंगे इस टाइप में कि किस पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।